नमस्कार दोस्तों, एमसीजी एकेडमी ग्वालियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरपीएफ के ट्रेड टेस्ट चल रहे हैं और लगातार मैं आप लोगों के लिए अपडेट जो है लेकर के आता हूं। तो आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि आज है 14 अगस्त। तो 14 अगस्त की वीडियो में मुझे कुछ इस प्रकार का एक्सपीरियंस मिला है जो आप लोगों को चौंका देने वाला है। आरपीएफ में दिन प्रतिदिन नए नए काम करवाए जा रहे हैं। इन भाई से जो है एक ही दिन में सब कुछ काम करवाया गया, तो इनका सुनिएगा जरूर। इनों का कहना है कि इनसे रोटी भी बनवाई गई, आटा भी गुंदवाया गया, और देखिएगा क्या क्या परेशानी इनको सहन करनी पड़ी। इनका एक्सपीरियंस जरूर सुनिएगा, नहीं तो आप भी फेल हो सकते हो। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अभी तक मैं आप लोगों के लिए 21 एक्सपीरियंस की वीडियो ला चुका हूँ। इनमें कोई भी झूठा नहीं, आप इनका ऑडियो ध्यान से सुन सकते हो। इन भाई का भी एक्सपीरियंस आपको अंत तक सुनना है, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस बहुत ही आप लोगों के लिए लाभदायक हो सकता है। दिन प्रतिदिन परेशानियाँ जो है बढ़ती जा रही हैं, और आप लोगों के लिए टास्क भी वो लोग बढ़ाते जा रहे हैं। पहले आप लोगों के लिए जो है पराठा रोटी ही था, अब इनका कहना है एक ही बंदे से सारा काम करवा रहे हैं। तो आप लोगों को होना होगा सतर्क यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, नीचे आप लोगों के लिए जो है मैंने बना दिया गया है क्या एक और आरपीएफ का ट्रेड टेस्ट का चैनल, उसको आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है। मेरे जितने भी साथी होंगे आगे से अपडेट आप लोगों को उसी चैनल पर उपलब्ध होगा, उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। इनका एक्सपीरियंस बिल्कुल अंत तक सुनना है, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस मैंने इतने जो 21 एक्सपीरियंस की वीडियोस हैं अभी तक नहीं सुना। और मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि वो फालतू के कमेंट ना करें, क्योंकि मैं खुद इन बात से चकित हूँ। क्योंकि उनका फिर फालतू के कमेंट आते हैं, झूठ बोल रहे हो सर, ऐसा कर रहे हो सर। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग ऑडियो का पूरा ध्यान से सुनिएगा। ये भैया राजस्थान से हैं और इनका पूरा ध्यान से जरूर सुनिएगा, अंत तक पूरा सुनिएगा। सर, आपका शुभ नाम क्या है? सर, मेरा नाम सर शुभ नाम धीरज कुमार है सर, निमेश। हाँ सर, आप बताइएगा सर, आपका आरपीएफ ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई हो गया सर? हाँ जी, हो गया सर, मेरा क्वालिफाइड हो गया सर। सर, आपने मेरी वीडियोस देखी थी सर? हाँ जी, देखी थी आपकी वीडियो सर मैंने। सर, वीडियो से कोई हेल्प मिली सर आपको? हाँ जी सर, वीडियो से कोई हेल्प मिली? हेल्प, हाँ जी हेल्प मिली थी सर आपकी वीडियो से, मुझे बहुत हेल्प मिली थी सर मुझे। सर बताइए सर, किस प्रकार से, मतलब थोड़ा आपको बहुत सारे लोग आप सुनने वाले हैं, तो आप अपना एक्सप्लेन कीजिए किस प्रकार से क्या क्या हुआ सर वहाँ पे। सुबह से बताना सर शाम तक, एक एक चीज सर। ओके सर, बताइएगा सर, सुन लीजिए सर। सर मैं वहाँ गया था तो फिजिकल के नंबर जो मिले थे उसके बैच नंबर से हम बैठ आए थे सर, उसमें सर 12-12 बच्चे इनके बैच बनाए। कितने कितने बच्चों के सर? 12-12 बच्चे इनके सर। ओके सर, बोलते रहिए सर। हाँ जी सर, उसमें 12-12 बच्चे इनके बैच बनाए हमारे, फिर उसी तरीका से नंबर आता गया, ट्रेड टेस्ट हुआ सर। कितने बजे सर? कम से कम सर 6 बजे तक ट्रेड टेस्ट चलाता सर हमारा, शाम को 6 बजे तक सर। हाँ जी। ओके सर, हमारे सर 5:30 बजे से एंट्री हो गई थी उसमें, फिर हम वो एंट्री होकर के फिर हमारा बैच फैच और वो सब लाइन में लगे हुए थे, उसके बाद ट्रेस टेस्ट चालू हो गया सर हमारा। यस सर। हाँ जी, उसमें ट्रेस टेस्ट में सर मुझे मुझको ये करवाना पड़ा था, उन्होंने करवाया था मुझे कि सर। हेलो, हाँ हाँ बोलिए सर, आपको आपसे क्या बनवाया सर? सर मुझसे पहले आलू कटवाए थे उन्होंने। फिर आलू किस प्रकार के काटे सर आपने? आलू सर सब्जी टाइप के कटवाए थे उन्होंने सर। मतलब आपने किस प्रकार के काटे, छोटे बड़े, किस प्रकार के आकार, मतलब कैसा था, कैसे काटने हैं भाई लोगों को जिससे उनका सिलेक्शन हो जाए, ऐसा कुछ बताइए सर। सर मैंने आलू ऐसे काटे थे कि ऊपर से तो छील लिए थे, मैं बताऊं आपके लिए, मुझे पहले भी एक्सपीरियंस था इसी चीज का, मैं क्यों मैंने तैयारी की थी बाहर, तो मैं ऐसी सब्जी बनाता था अपने यहाँ भी जब मैं रहता था तो बाहर अलवर। हाँ सर, तो मुझे सर एक्सपीरियंस था और फिर कुछ नॉलेज थी उसके बारे में, तो सर मैंने उनके ऊपर से, उन्होंने वो काटने वाली नहीं दी, छीलने वाली नहीं दी थी आलू वाली, फिर चाकू रखा था, चाकू से बस चाकू से वो छील लिए थे, फिर उसको सब्जी टाइप के जो 3 कोने वाले ये काटे थे सर। आपसे मेरा सब्जी कटवाई गई थी सर? हाँ जी, सब्जी कटवाई थी, आलू कटवाए थे उन्होंने सर। हाँ हाँ बताते रहिए सर। दो आलू कटवाए थे सर, फिर उसके बाद फिर मुझसे बैंगन कटवाए थे सर। हाँ सर, बैंगन कटवा के गोल वाले बैंगन कटवाए थे, लंबे बैंगन काटे थे सर मैंने। यस सर। फिर उसके बाद में सर मुझसे पूछा था कि जैसे 6 जवान हैं, हाँ, तो उनके लिए कम से कम मिनिमम खाना कितना चाहिए? हाँ,
तो मैंने बताया था सर कम से कम उनके लिए खाना सर सब्जी 1.5 किलो चाहिए सर। जब कह रहे अच्छा ओके सर, फिर उन्होंने कही थी कि आज हमारा आज जो 8 तारीख को हमारा वो है सब्जी में गोभी और आलू, तो गोभी कितनी होनी चाहिए आलू कितने होंगे, तो मैंने सर उनके लिए बताया था कि 1 किलो गोभी होनी चाहिए सर और आधी किलो आलू, तो उन्होंने ये पूछा था, फिर मैंने ये बता दिया था कि 1 किलो क्वेश्चन जी सर बहुत से लोग कह रहे हैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं सर, आप बताइए क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं मतलब सर। हाँ जी क्वेश्चन भी पूछे थे सर मुझसे तो। हाँ सर क्वेश्चन यही थे ना सब कुछ सर। हाँ जी क्वेश्चन पूछे थे उसने और वो वैसे सब्जी वगैरह भी कटवाई थी उन्होंने सर और वैसे क्वेश्चन भी पूछे थे मुझसे सर। हाँ हाँ सर बताते रहिए सर, और उसके बाद सर क्या क्या हुआ सर। फिर सर मैंने ये बता दिया था कि 1 किलो कम से कम गोभी होनी चाहिए और आधी किलो आलू, तो उन्होंने वो कर दिया। तो उसके बाद में सर मुझसे रोटी करवाई थी। रोटी करवाई सर आपसे ही सारे काम करवाए सर। हाँ जी एक रोटी करवा के देखी थी उन्होंने, पर रोटी मैंने कर दी थी एकदम बढ़िया अच्छी रोटी की थी सर, ना तो ज्यादा जली थी ना वैसी एकदम अच्छी रोटी करी थी। हाँ उसके बाद में सर उन्होंने ताली बजा दी एकदम। हाँ तो उन्होंने मैं वहां से फिर आगे कर दिया, फिर मेरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने लग गई सर। सर एक बात बताइए सर, उस दिन किसी ना किसी से रोटियां भी बनवाई होंगी सर। क्या सर? उस दिन जो है किसी ना किसी बंदे से रोटियां भी बनवाई होंगी रोटियां। हाँ जी बनवाई थी सर, कम से कम मुझसे आगे जो और लड़के थे उनसे भी रोटी बनवाई थी सर। सर ये और बताइए सर क्या कहते हैं, और पराठे भी बनवाए थे आज आपसे उनसे उन्होंने आज आपसे? नहीं सर पराठे नहीं बनवाए थे सर, मुझसे तो रोटी बनवाई थी सर। सर पराठे वालों से कैसे पराठे बनवाए जा रहे हैं, त्रिकोण वाले या चौको? ना गोल वाले पराठे बनवाए जा रहे थे सर, आलू वाले, जैसे आलू वाले और त्रिकोणे भी बनाए जो वो जो परत के पराठे बोलते हैं उसे सर। अच्छा मतलब आलू वाले भी बना रहे थे सर? हाँ जी आलू वाले और जो परत के जो पराठे होते हैं ना, उन्होंने कही थी सर मुझसे कि आलू वाले पराठे कैसे बेलते हैं, तो मैंने जब आलू वाले पराठे बेल के दिखाए थे उनके लिए सर। सर मतलब आज से बहुत कुछ करवाया सर, एक ही व्यक्ति से इतना कुछ कैसे करवा सकते हैं सर? सर आपसे तो बहुत कुछ करवाया उन्होंने, एक ही व्यक्ति से इतना ट्रेड टेस्ट में तो किसी से नहीं करवाया सर, आपसे ऐसा कैसे हो सकता है सर? सर मैं बताऊं आपके लिए इतना कोई ज्यादा मामूली बात नहीं है सर, थोड़ा थोड़ी समय सी लगा था उसने, मैंने उन्होंने जो उन्होंने पराठे करवाए थे सर, पराठे में बता रहे थे लड़के पराठे उनसे हथियार 3 परत वाले करवाए थे तिकोने। तिकोने? हाँ जी 3 कोने वाले जो तिकोने पराठे बोलते हैं उसे, परत वाले पराठे उनसे वो करवाए थे मुझसे, तो सर बस रोटी करवाई थी बस एक। अच्छा सर बताइए सर उसके बाद क्या हुआ सर, रोटी जो है आपने बना दी उसके बाद मतलब सर जो है बाकी इंस्ट्रूमेंट वगैरह बताइए कि आप यदि सब्जी काट रहे थे तो क्या क्या था आपके पास, मतलब आसपास क्या क्या उपलब्ध था सर? क्या सर? जब आपसे सब्जी कटवाई जा रही थी तो क्या क्या उपलब्ध था आपके पास? मेरे पास सर सब्जी रखी हुई थी और चाकू और टेबल पर कटवाई थी सर उन्होंने, टेबल और एक वो ही जो कढ़ाई थी छोटी वाली। हाँ। जैसे ये छोटी वाली जो ये बोलते हैं उसको सर कढ़ाई सी बोलती है वो छोटी सी, उसमें कटवाए थे सर। और क्या क्या करवाया था सर? और सर कुछ नहीं करवाया था इसके बाद में मुझसे। सर आप सब्जी के इंस्ट्रूमेंट बताइए क्या क्या कटवाया आपसे सर? मुझसे सर एक तो बैंगन कटवाए थे सर, मैंने उसमें कढ़ाई सी जो छोटी वाली होती है उसमें सर पानी डाला था पहले, पानी डाल के फिर वो बैंगन काटे थे उसमें, क्योंकि वो काले पड़ जाएंगे नहीं बगैर पानी के सर। अच्छा जी और बताइए सर सब्जियां धोने के लिए जगह थी वहां पर? ये सर बच्चों की क्वेश्चन है सर, ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ, जितने भी बच्चे होते हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं, आपको ही बताया सर। वो सर साफ सफाई से करना चाहिए, मैं बताऊं हम तो यही बताना चाहते हैं कि जो भी कोई लड़का जाए उनसे पहले ये हम बताना चाहते हैं कि वो साफ सफाई से करें उसको, जैसे आलू या और अन्य सब्जियां उनको पहले धो लेना चाहिए, धो करके सर उसको जैसे हम बैंगन को काट रहे हैं सर, तो उनको धो करके फिर उसको अच्छी तरीका से काट के जैसे वो कटवा रहे हैं जैसे वो काट करके फिर वो पानी में डालने, क्यों नहीं तो काले पड़ जाएंगे सर बैंगन धो करके सर। मतलब हल्की हल धो करके फिर पानी में डालना है? हाँ जी बैंगन को तो सिर्फ सर
पानी में डालना है, क्यों अगर पानी में नहीं डालेंगे तो सर हम लेकर भी सकते हैं, क्योंकि अगर बैंगन को पानी में नहीं डालेंगे सर वो फिर काले पड़ जाएंगे, उनके बावजूद हमको वो निकाल भी सकते हैं क्योंकि वो काले पड़ जाएंगे फिर सब्जी बिगड़ जाएगी सर। हाँ बिल्कुल सही, और बताइए सर। इसलिए सर, और फिर उन्होंने आलू कटवाए थे मुझसे, आलू कटवा करके फिर ये एक क्वेश्चन पूछा था सर मुझसे, और ये क्वेश्चन आलू और गोभी के बारे में पूछा था। मैंने बताया था सर 1 किलो कम से कम गोभी चाहिए और आधी किलो आलू चाहिए 6 जवान के बीच में, उन्होंने कहा था ओके। उसके बाद में मुझसे एक रोटी करवाई थी, उस रोटी करवा करके उन्होंने ताली बजा दी थी सर मुझसे मेरे आगे। सर रोटी के बारे में बताइए सर, रोटी में मतलब क्या क्या करवाया था, मतलब सर रोटी में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध थे सर? रोटी में सर ये करवाया था कि मुझको चून दे दिया था, चून परात में चून रख दिया था, तो मैंने थोड़ा सा ही चून था बस, मुश्किल से कम सर आधी किलो चून था, क्यों और अन्य बंदों के लिए मैं ही थोड़ी बना सकता हूँ सब रोटी को, टाइम सर बहुत लग जाता है उसमें, मैं बताऊँ आपके लिए सर। सर आपका टेस्ट कितने समय तक चला सर आपका टेस्ट? हाँ जी सर, आपका ट्रेड टेस्ट कितने समय तक चला सर? मेरा सर कम से कम 1.5 घंटा चला था सर, कम से कम 40 या 45 मिनट चला था सर। तो कहाँ गए थे सर आप देने के लिए? मैं सर राजस्थान गया था सर, अजमेर। अच्छा सर, इतना लेट हो रहे हैं सर अजमेर में, इतना मतलब इतना टाइम ले रहे हैं सर? सर टाइम तो नहीं इतने, क्योंकि वहाँ ज्यादा बंदे नहीं पहुँचे थे, मैं बताऊँ सर बहुत सारे लड़के तो फिजिकल में निकल गए थे, उसके बाद वहाँ कम ही लड़के पहुंचे थे सर। कितने लड़के पहुंचे टोटल वहाँ पे सर? आपका फिजिकल कहाँ पे हुआ था? मेरा सर फिजिकल लखनऊ हुआ था सर। लखनऊ वालों का राजस्थान पढ़ रहा है, मतलब ऐसा कह सकते हैं अपन? हैं जी सर, जिनका लखनऊ पेपर हुआ था उनका राजस्थान पढ़ रहा है ट्रेड टेस्ट, ऐसा कह सकते हैं अपन? सर मेरा तो राजस्थान ही पढ़ा हुआ है सर। और सर मतलब बताइए सर, इतना लंबा ट्रेड टेस्ट किसी का नहीं चला सर आपका, ऐसे कैसे सर, क्या हो गया है उनको? हाँ सर, वैसे मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ टाइम, क्योंकि मेरे पास मैंने टाइम देखा नहीं था, अंदाज से बता रहा हूँ सर मैं, क्योंकि 40-45 मिनट लगे गए होंगे, मैं अंदाज से बता रहा हूँ सर आपसे। सर आप ही का ट्रेड टेस्ट करवाया क्या, कि वहाँ पे और कोई बंदे मौजूद थे कि नहीं? हाँ जी, और भी लड़के थे वहाँ सर। सभी का 45-45 मिनट ही चला? नहीं सर, और का 45 मिनट नहीं चला, तो और का देखा था कम से कम 20 मिनट 25 मिनट लास्ट में, बताऊं मैं तो अपना टाइम सर, मुझे मैंने ना तो मोबाइल देखा था ना घड़ी देखी थी सर अपनी, मैं तो अपना टाइम अंदाज से बता रहा हूँ सर आपसे, जब मैंने दूसरों का टाइम देखा था तो कम से कम 20 मिनट लास्ट 25 मिनट बस, ज्यादा देर तक नहीं करवाया था सर उनका। अच्छा जी, और बता दीजिए बस सर मुझे कि मतलब उस दिन आप गए थे कितने बच्चे ले गए थे उस दिन? सर कम से कम ऐसे कोई 150 बच्चे पहुंचे थे सर वहाँ, 150 बच्चे पहुंचे थे सर वहाँ। अच्छा मतलब बच्चे कम थे इस कारण से, क्योंकि सर और नाशक वगैरह में हो रहा है तो 5 मिनट दे रहे हैं सर ट्रेड टेस्ट के लिए ओनली। हाँ सर, क्यों बच्चे कम थे सर इसलिए वहाँ ट्रेड टेस्ट, और कहीं कहीं सर मेरा एक लड़का, मेरे गांव का एक लड़का गया था सर, वो भी उनके लिए बहुत टाइम लगाया था सर, वो बता रहा था कि उन्होंने बताया था कि सर भाई साहब के इसमें टाइम बहुत ले रहे हैं ट्रेड टेस्ट में, तो सर मुझसे भी तो ज्यादा वो उसका ही टाइम लिया था सर, मेरे एक लड़का का दोस्त है मेरा वो। उसका संपर्क नंबर मिल सकता है सर? सर मैं संपर्क तो अभी वो सर वैसे इंडियन नेवी में लगा हुआ है वो, मैं बताऊं आपके लिए। हाँ सर, पर वो अटका, उनको छुट्टी मिली थी उसके बावजूद वो यही है अभी अपने गांव में ही है, तो वो टेस्ट देने के लिए फिजिकल और जो ये टेस्ट देने के लिए गया था, इंडियन नेवी में लगा हुआ है सर वो मेरा दोस्त है जो। चलो सर बहुत अच्छा है सर। उसके बाद क्या हुआ सर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ होगा सर? हाँ जी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था सर। सर उसके बारे में कुछ बताइए सर। उसके बारे में सर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सर हाई स्कूल की मार्कशीट। हाँ सर। हाँ जी, और हाई स्कूल की मार्कशीट, और जैसे ये जो आईडी प्रूफ है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइवर लाइसेंस, और या जो ये जो पहचान पत्र होता है ये, इसकी 2 कॉपी करवा करके ले गया था सर मैं, दो 2 कॉपी करवा करके ले गया था सर, और इंटर की ले गया था और बीएससी की ले गया था सर मैं, 7 की 2 कॉपी करवा करके ले गया था,
और जो ये सेंट्रल लेवल का ये गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट का उसका वो और मांग रहे हैं वो सर कास्ट सर्टिफिकेट। हाँ सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट मांग रहे हैं सर, बिल्कुल मांग रहे हैं सर। हाँ जी सर वो भी मेरे पास है, मैं बताऊँ आपके लिए सर, सर उसका सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट वो सर कैसा है दिखने में सर? सर देखने में तो सर वो मैं बताऊँ आपके लिए वो थ्रूआउट इंग्लिश में है सर। इंग्लिश में है ना सर बिल्कुल? हाँ जी बिल्कुल इंग्लिश में है सर। उसका फॉर्मेट मतलब इंग्लिश में है? हाँ जी फॉर्मेट है जो इंग्लिश में है सर। सर आप अपने भाइयों से कुछ कहना चाहोगे जिनका सर ट्रेड टेस्ट आ गई है सर, बहुत सारे लोग आपको सुनने वाले हैं अब सर। मैं तो सर यही कहना चाहता हूँ कि जो जिस भाई का जैसे टेस्ट जो ये डॉक्यूमेंट है जो ये कास्ट सर्टिफिकेट जिस भाई ने जैसे बनवाने के लिए पटक दिया है तो कम से कम ज्यादा नहीं है वो पीछे भी जमा करवा सकते हैं। मैं बताऊँ आपके 10-15 दिन का रोज टाइम भी देते हैं, जाकर के वहाँ जमा भी कर सकते हैं सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो है अपना अनुभव जो है अपने भाइयों को दे रहे हो सर, जिससे क्या है सर बहुत सारे बच्चों को सहायता मिलेगी। और मैं तो सर इसके और भी कहना चाहता हूँ क्योंकि सर पहले मैं अपने बड़े भाई छोटे भाई सभी से बहन जी से अपने यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी कोई डॉक्यूमेंट्स ले जाए उनको एक भी डॉक्यूमेंट्स भूलना नहीं चाहिए और उसकी सर दो दो टू कॉपी करवा करके ले जाना चाहिए। हाँ सर मैं बताऊँ, और फोटो अटेस्ट करवा करके ले जाना चाहिए, जो कोई भाई रह नहीं जाए कोई डॉक्यूमेंट्स के बगैर तो कहीं वहाँ से निकाल सकते हैं सर। ऐसा मैं बताऊँ आपके लिए कोई डॉक्यूमेंट जैसे निकल रह जाए तो उसके बाद वो निकाल भी सकते हैं सर। ऐसा भी है सर? हाँ जी निकाल भी सकते हैं, जैसे अवाल हमारे पास और सब डॉक्यूमेंट्स ले गए और जैसे सर हम हाई स्कूल की मार्कशीट को भूल गए तो सर वो निकाल भी सकते हैं ऐसे। अच्छा सर। हाँ जी सर बताइएगा सर, और क्या कहना चाहोगे सर आप अपने भाइयों के लिए? मैं तो सर बस यही निवेदन करना चाहता हूँ अपने बड़े भाई छोटे भाई बहन जी से सर कि वो अपना डॉक्यूमेंट्स सब साथ में ले जाए और उसकी दो दो टू कॉपी करवा करके ले जाए सब। अच्छा सर। हाँ जी सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो अपना कीमती समय अपने भाइयों के लिए निकाला सर। हाँ जी सर मैं बताऊँ आपके लिए बस मेरा यही निवेदन है अपने बड़े भाई से छोटे भाइयों से और अपनी बहन जी से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो अपने टोटल डॉक्यूमेंट्स लेकर के साथ जाएं सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, और कुछ कहना चाहोगे सर? क्योंकि इसको सर आपको पता है सर, अब हजारों लोग सुनने वाले हैं सर इसको। क्या जी सर? इस वीडियो को जो आपका ऑडियो है इसको सर हजारों लोग सुनने वाले हैं अब सर। हाँ जी सर वो तो बात ठीक है आपकी सर, ये आपको सर पता है ना? हाँ जी वो तो ही तो मैं कह रहा हूँ सर, आप अपना कुछ और संदेश देना चाहो भाइयों को तो बिल्कुल पहुँच जाएगा सर आपका। नहीं सर बस यही निवेदन है सर मेरा तो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी सर।